हाय फ्रेंड, वेलकम टू श्रीयस ग्रुप को। तो फ्रेंड, मेरे पास ऐसे एक MIVI एयरबड आया है। तो ये जो एयरबड है, कस्टमर ने बोला है ये एयरबड चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें चार्जिंग का इशू हो रहा है। तो मैंने इसमें जो डाटा केबल है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पे जो पावर बैंक है यहाँ पे मैंने लगा दिया। देखिए, ये जो एयरबड है ये चार्ज हो रहा है। ये देखिए, जो इसका जो पावर बैंक है इसका एयरबड का, ये चार्ज ले रहा है, देखिए। लेकिन इसका जो अंदर वाला जो बड है वो नहीं चार्ज हो रहा है। देखिए, ये मैं चार्जिंग पे दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम रिपेयर करेंगे। तो कैसे करना है वो देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए तो आप लोगों को भी पता चलेगा। तो ये इशू आप घर पे बैठ के ये सॉल्व कर सकते हो, कोई शॉप में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले ये जो बड है इसे निकल लेता हूँ बाहर। देखिए, तो इसे थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है, ठीक है। निकलने के टाइम थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है। बहुत इजी प्रोसेस है इसे निकलना। आप ही देखिए, यहाँ पे एक नाइफ यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये धीरे से करना है, नहीं तो ये आपका डैमेज भी हो सकता है। अभी देखिए, ये आसानी से निकल रहा है। देखिए, तो ज़्यादा फोर्स नहीं यूज करना है। ये देखिए, ये जो पावर बैंक है वो निकल चुका है। अभी इसमें दो स्क्रू लगा है, यहाँ पे एक, ये एक, दो स्क्रू को ही अभी निकल देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे दो स्क्रू लगा हुआ है, ये एक है और दूसरा वाला इधर है, ठीक है। ये दोनों को निकल लेता हूँ मैं पहले। देखिए, अभी ये जो बोर्ड है ये बोर्ड बाहर निकला है। तो इसमें मेनली जो इशू होता है, ये जो दो हेड है या चार्जिंग के लिए जो यूज होता है, इसमें फंगस पड़ने से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा सफाई कर देंगे ये वाला। तो ये अब कोई भी नाइफ से कर सकते हो, ब्लेड से भी कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। मेरे पास ये माइक्रो ड्रिल था तो मैंने वो ड्रिल से ही कर दिया। तो अभी देखते हैं एक बट को लगा के यहाँ पे। तो इसमें तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लाइट ग्लो होने लग गया है। ये देखिए, ये अभी चार्जिंग ले रहा है, ठीक है। तो और एक चीज़ जो करना है यहाँ पे, ये जो इसका जो हेड है, इसमें जो कनेक्शन जहाँ पे जाता है ये वाला, इसमें भी थोड़ा सा सफाई कर लेना है। ये भी थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए, ये वाला कर दिया क्लीन, और ये भी क्लीन कर देना है। तो अभी देखते हैं दोनों एयरबड को यहाँ पे कनेक्ट करके चार्जिंग लेता है क्या नहीं। तो देखिए, दोनों एयरबड ही चार्ज हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें और भी क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी ये भी चार्ज ले रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड, बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप घर पे ही कर सकते हो ये। अगर ये इशू होगा तो, अगर आपको
वो दिक्कत होगा तो कोई शॉप में जाओ नियरेस्ट, जहाँ पे जाके ये आप इजीली कर सकते हो, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है इसमें। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, आगे और भी इस टाइप का वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।